नमस्कार दोस्तों, कल यानी कि संडे को इवनिंग में इसराइल के ऊपर एक टेररिस्ट अटैक हुआ था। इसराइल के टेल अवीव शहर में जो साइनागॉग है उसके पास में ये एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था बहुत बड़ा। और माना ये जा रहा था कि ये बॉम्ब ब्लास्ट जो है वो एक्चुअल में करना कहीं और था, और उसके क्या मंसूबे हैं, उसमें क्या इनका ऑब्जेक्टिव है, वो सब चीज़ें पता नहीं हो चल पा रही थी। लेकिन अब इसराइल की जो सरकार है वो इसको लेबनान और ईरान की सरकार से जोड़ करके देख रही थी कि ये अगर लेबनान ने करवाया होगा, या तो लेबनान ने करवाया होगा या ईरान ने करवाया होगा, ऐसा माना जा रहा था। अब उसमें क्लैरिटी आ चुकी है। जो डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी है इसराइल की, जिसका नाम है शिनबेट डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी, उन्होंने बताया है कि जो अटैक है ये एक तरीके का टेररिस्ट अटैक था, और इस अटैक को करने का जो मंसूबा था वो काफ़ी बड़ा एक टेररिस्ट अटैक करके इसराइल में एक डिटरेंस क्रिएट करना था, और इसमें कई सारे लोगों को टारगेट किया गया था और एक भीड़भाड़ वाली जगह पर ये अटैक करना था। होता क्या है कि संडे को इवनिंग में टेल अवीव शहर में अचानक से एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है, और उसमें देखा जाता है कि 1% की उसमें डेथ हो गई है और 1% उसमें इंजर्ड हुआ है। बहुत बड़ा कोई इसमें डेंट नहीं पड़ पाया था, और ये साइनागॉग के पास ही अटैक किया गया था कल यानी कि संडे की इवनिंग को। तो इस अटैक का जब सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज हुए तो उसमें जाकर के पता चला कि एक तरीके का टेररिस्ट अटैक था। सीसीटीवी फुटेज में, जैसे कि आप देख रहे हो, टाइम्स ऑफ इसराइल का आर्टिकल है, यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति दिखाई देता है, और ये व्यक्ति अपने पीठ पर एक बैग टांगे हुए होता है। इसी व्यक्ति की इसमें जान गई थी। तो पहले तो ये पता नहीं था कि ये टेररिस्ट अटैक किस तरीके का है, ये सुसाइड बॉम्ब है या बॉम्ब वहाँ पे प्लांट किया गया है, क्या चीज़ थी, उस टाइम पे नहीं पता था। बाद में उस पूरे सीसीटीवी फुटेजेस को देखने के बाद डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी बताती है कि एक तरीके का सुसाइड बॉम्बर था। जो ये व्यक्ति है वो बैकपैक लिए हुए है पीछे, और उस बैकपैक में उसने बॉम्ब कैरी किया हुआ था। अब यहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यह भी बताया कि ये जो अटैक था ये एक्चुअल में कहीं ऐसी जगह पर करना था इनको, जहाँ पर भीड़ भाड़ वाला एरिया हो, ज़्यादा लोगों की जाने जाएँ, ज़्यादा लोग इंजर्ड हों, सरकार जो इसराइल की गवर्नमेंट है उस तक एक मैसेज पहुँचना चाहिए, इसराइल के लोगों तक ये मैसेज पहुँचना चाहिए कि इसराइल में कोई भी सेफ नहीं है। तो ये डिटरेंस क्रिएट करना इनका एजेंडा था, लेकिन वो बॉम्ब जो है वो वहाँ पहुँचने से पहले ही ब्लू हो गया, और जिसकी वजह से ये व्यक्ति जो सुसाइड बॉम्बर था ये तो वहीं पे ऑन द स्पॉट ही इसकी डेथ हो जाती है। और आसपास में सिर्फ एक व्यक्ति था जो कि अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर के वहाँ से गुजर रहा था, उस व्यक्ति को हल्की फुल्की यहाँ पर चोट आती है। और ये जो पूरा घटना हुई ये टेल अवीव शहर के साउथ वाले एरिया में हुई, लेही रोड कहते हैं उस एरिया में ये घटना कल यानी कि संडे की इवनिंग को हुई थी, और अब इसको टेररिस्ट अटैक घोषित कर दिया है सरकार ने। और इसराइल की गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो साफ साफ ये आया है कि यहाँ पर ईरान की गवर्नमेंट और लेबनान की गवर्नमेंट दोनों रिस्पॉन्सिबल है टेररिस्ट अटैक के लिए। हालांकि अभी और ज़्यादा इस पर डिटेल्स जो है वो डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसीज ढूंढ रही हैं, और अगर इसमें किसी भी तरीके का कोई भी व्यक्ति शामिल रहता है हिजबुल्ला से या हमास से, तो इसराइल की गवर्नमेंट ने कहा है कि हम बहुत बड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव, बहुत बड़ा स्टेप लेंगे। तो ये एक तरीके से और डेंट है सीज़फायर टॉक्स को लेकर के, क्योंकि अगर आप देखो तो ये अटैक हुआ कब है, ये अटैक तब हुआ है जब यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, आपको पता है कि एंटनी ब्लिंकन जो है वो इसराइल पहुंचे हुए, टेल अवीव में पहुंच करके वो वहां के इसराइल के डेलीगेशन से बातचीत करने आए हैं गाजा सीज फायर के ऊपर में। और अब उसमें उसके जस्ट एक घंटे बाद, जैसे ही एंटनी ब्लिंकन वहां पर पहुंचे हैं उसके एक घंटे बाद ये सुसाइड बॉम्बर ने ये इतना बड़ा कांड किया है। तो अब इसमें लिंक्स खोजे जा रहे हैं कि इसमें डायरेक्ट लिंक्स किसी के साथ मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। 100% लिंक्स होंगे, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट अटैक भले हो सकता है, एक लोन वुल्फ अटैक भले हो सकता है, लेकिन लिंक्स 100% इसके जरूर से होंगे, क्योंकि जो मटेरियल, जो चीज़ चाहिए बॉम्ब बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें उसको कहां से मिली हैं उसके ऊपर डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसीज अभी काम कर रही हैं। अब आते हैं, जो सुबह मैंने आपको बताया अभी कि एंटनी ब्लिंकन जो कि अभी पहुंचे हैं टेल अवीव में, और वहां पर पहुंच के उनका एजेंडा क्या है, सीज़फायर के ऊपर में बात करना और इसराइल की सरकार को मनाना कि भाई अपने टर्म्स थोड़े हल्के कर दो ताकि हमास मान जाए इस पूरे हॉस्टेज डील को लेकर के। अब सुबह मैंने आपको बताया था कि एक तरफ रशिया है, उसने बिल्कुल इनकार कर दिया है किसी भी तरीके के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टॉक्स करने से यूक्रेन के साथ में, उसने साफ कर दिया है ये चीज़ कि अब किसी भी तरीके का डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉक्स नहीं होगा, अब जो भी होगा वो फ्रंट लाइन ऑफेंसिव ही होगा और वो बहुत जल्दी पता लग जाएगा। दूसरी तरफ हमास ने ये कहते हुए सीज़फायर टॉक्स को मना कर दिया है कि भाई इस टॉक्स में पूरी तरीके से ये टॉक्स जो हैं वो इंक्लाइंड हैं इसराइल की तरफ, हमारा इन टॉक्स में कोई भी फ़ायदा नहीं है,
ना हमारे लोगों का कोई फायदा है, तो हम इस टॉक्स को बिल्कुल भी नहीं मान सकते हैं। तो हमास ने भी ये कह करके इस टॉक्स को हटा दिया है। तो अब जब एंटनी ब्लिंकन पहुंचे हैं, ये आर्टिकल आप देख लीजिए, एंटनी ब्लिंकन बात करने के बाद उन्होंने, उनके वर्ड्स ये थे कि शायद ये इस पूरे सीज फायर को लेकर के लास्ट टॉक्स हैं जो कराने की कोशिश, ये लास्ट हॉस्टेज डील है जो हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों लास्ट डील है हम जो कराने की कोशिश कर रहे हैं? बिकॉज अब मामला काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और अब चीज़ों को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज दोनों तरफ से दोनों पार्टीज़ जो हैं इसमें ऑफेंसिव ले चुकी हैं। जितनी न्यूट्रल पार्टीज़ थी जो इस मामले को शांत कराने की कोशिश कर रही थी, जैसे कि कतर, जैसे कि कतर के अलावा इजिप्ट, इन कंट्रीज़ ने भी अब अपने हाथ पीछे खींचने शुरू कर दिए हैं, बिकॉज अब जो वॉर है वो इन तक भी पहुंचना शुरू हो चुका है। जिस तरीके से इस्माइल हानिया को मारा गया है, इस्माइल हानिया को कतर की सरकार जो है वो काफ़ी सपोर्ट करती थी। अगर आप देखोगे, अगर आप उसका इतिहास उठाओगे, तो उसने लंबे समय जो है वो शरण लिया एज अ पॉलिटिकल हमास लीडर इन कतर, और कतर की गवर्नमेंट के साथ में अच्छे संबंध बनाए इस्माइल हानिया ने, और उसकी डेथ से कहीं ना कहीं वो कतर की सरकार बहुत ज़्यादा नाराज़ है इसराइल से। और अब ये इस तरीके की लास्ट हॉस्टेज डील शायद हो सकती है, या लास्ट सीज फायर को लेकर के बातचीत हो सकती है इन कंट्रीज़ के बीच में। अब मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, और दूसरी तरफ से रशिया से जो सपोर्ट मिल रहा है ईरान को, वो सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट है जो ईरान को मिल रहा है। एंड एवरीबडी इज सेइंग, मैंने देखा है बहुत हर जगह पर, कि ईरान ने अभी तक अटैक नहीं किया, ईरान कुछ नहीं करने वाला। देखो, ईरान अभी बिल्कुल भी अटैक नहीं करेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले दिन जब ये हुआ था, पहले दिन जब इस्माइल हानिया को मारा गया था, तभी मैंने आपको बताया था कि अभी ईरान की सिचुएशन ही वो नहीं है कि वो अटैक कर पाए इसराइल के ऊपर में, या वो ऑल आउट वॉर में चले जाए इसराइल से, या वो मिडिल ईस्ट की किसी भी कंट्री से ऑल आउट वॉर में चले जाए। वो सिचुएशन क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ द टसल बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेट्स इन ईरान इटसेल्फ। एक प्रेसिडेंट चूज हुए पेशकियान वहाँ पे, जो कि एक मॉडरेट लीडर है, ही उनको मतलब नहीं है ईरान के बाहर क्या हो रहा है, उनको नहीं जानना इंटरनेशनल रिलेशंस, उनको अच्छे कॉर्डियल रिलेशंस बना के रखने अपने नेबरिंग कंट्रीज से, बस उनका इतना एजेंडा है। वो इस सब में बिल्कुल भी पावर पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहते हैं। और दूसरी तरफ है, आपको पता है, द सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनी, और वो चाहते हैं, वो इसका बदला लेना चाहते हैं इस्माइल हानिया का। तो देर इज़ एन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, देर इज़ एन मॉडरेट ग्रुप, और दोनों के बीच में काफ़ी बड़ा टसल है, और इस टसल की वजह से इम्पैक्ट हमास के ऊपर भी पड़ रहा है, इम्पैक्ट हिजबुल्ला को सपोर्ट में भी पड़ रहा है, और हुदीस को भी सपोर्ट में पड़ रहा है। और इसीलिए इसराइल अभी वेट कर रहा है, अभी पॉलिटिकल डिबेट्स चल रहे हैं, डिस्कशन चल रहे हैं उनके यहाँ कि क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट होगा ईरान के लिए और ईरान की जनता के लिए। तो यहाँ पर वो बेस्ट, अपना बेस्ट केस सिनेरियो सोच रहे हैं, और इसी बीच दे आर ऑल्सो बाइंग सम टाइम, तो अपने इकॉनमी को स्टेबलाइज करने के लिए, अपने जो डिफेंस है उसको स्टेबलाइज करने के लिए लगातार आप देखिए कि उन्होंने कई सारे मिलिट्री जो है एक्सरसाइजेस किए इस दौरान। मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने का मतलब भी ये था कि दे आर गेटिंग रेडी, और मे बी दे आर गेटिंग हेल्प फ्रॉम अदर कंट्रीज टू गेट रेडी। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, हमने दो कोर्सेज आपके लिए लॉन्च किए हैं, और ये दोनों कोर्सेज मेरे द्वारा लिए जाएंगे। एक कोर्स है द प्राइस द एपिक क्वेस्ट फॉर ऑयल मनी एंड पावर, और ये जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड कोर्स है, और दूसरा कोर्स है इंडियन पॉलिटी का जजमेंट्स दैट शेप द इंडियाज फाइनेंशियल लैंडस्केप। सिर्फ 500 रुपीस में ये कोर्स आपको मिल सकता है। इसमें काफी डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑयल जियोपॉलिटिक्स के ऊपर, जो पहला जियोपॉलिटिक्स वाला कोर्स है, कि हाउ द फाउंडर्स ऑफ द ऑयल। इसमें टोटल 5 लेक्चर्स होंगे इसमें, और टोटल 5 लेक्चर्स होंगे इस इंडियन पॉलिटी वाले में। तो मतलब इस पूरे कोर्स के अंदर में 10 लेक्चर्स आपको दिए आएंगे। सिर्फ 500 रुपीस का कोर्स है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप मेरा कोड यूज करोगे उसमें APYT10, तो आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेल कर सकते हैं। अब ये कोर्स होता क्या है, इसमें जियोपॉलिटिक्स, जो ऑयल जियोपॉलिटिक्स वाला कोर्स है, इसके अंदर 5 लेक्चर्स होंगे, जहां पे हम बहुत डिटेल में, अगर आप ईयर वाइज समझना चाहोगे, तो 1800 से लेकर के 2024 तक की जितनी भी इम्पॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट्स आप देखते हो जो कि ऑयल से कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं, जिसमें मैं World War I को भी जोड़ रहा हूँ, World War II को भी जोड़ रहा हूँ, ये सब इवेंट्स भी अगर आप देखोगे तो इसमें ऑयल का बहुत बड़ा रोल रहा है। वो मैं आपको कोर्स के अंदर मैं समझा दूंगा। और उसके बाद आप जितना बड़ा बड़े वॉर देखते हो, सीरियन सिविल वॉर देखते हो, उसके बाद आप
आप जो अरब स्प्रिंग के बाद चेंजेस देखते हो मिडिल ईस्ट के अंदर में, हाउ मिडिल ईस्ट बिकेम सो केओटिक, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर इस पूरे कोर्स के अंदर में समझ आने वाली हैं। तो इस पूरे ऑयल के जो फाउंडर्स थे उनका गेम क्या था, जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस जैसे रॉकफेलर्स, रॉथशाइल्ड्स, उनका गेम क्या था, हाउ दे बिकेम सो पावरफुल, हाउ दे आर रूलिंग द बैंकिंग सिस्टम, हाउ दे आर रूलिंग द वर्ल्ड टुडे, जेपी मॉर्गन कौन था, उसने क्या किया था, उसका क्या रोल था ऑयल जियोपॉलिटिक्स में, उसके बाद कैसे ये पूरा ग्लोबल स्ट्रगल बन जाता है बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के बीच में, जैसे यूके का बिजनेस हाउस है, फिर उसके बाद नोबल्स का नाम हम लेते हैं, रशिया में नोबल्स को जानते हैं, उन्होंने ऑयल के मामले मतलब देवर दी गॉड फादर्स ऑफ ऑयल इन रशिया, इन रशियन ऑयल। तो नोबल्स का टसल कैसे होता है रॉकफेलर्स के साथ में, रॉथशाइल्ड का टसल रॉकफेलर्स के साथ कैसे होता है, वो पूरा एक पूरा कैसे ये ग्लोबल स्ट्रगल बन जाता है इन बिजनेस हाउसेस के बीच में, और उसके बाद ये ग्लोबल स्ट्रगल कैसे वॉर को जन्म देता है, वर्ल्ड वॉर वन में क्या रोल होता है इसका, वर्ल्ड वॉर टू में क्या रोल होता है इसका, कंट्रीज़ के बीच में ये वॉर में वॉरफेयर कैसे बदल जाता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें डिटेल में समझ में आएंगी। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स एज और अभी प्रेजेंट डे जियोपॉलिटिक्स किस तरीके से इस ऑयल जियोपॉलिटिक्स से इम्पैक्ट होती है, वो चीज़ आपको बहुत डिटेल में इस वाले कोर्स में समझ में आएगी। तो टोटल इसमें 5 लेक्चर्स होने वाले हैं और उसके साथ जो हमारा इंडियन पॉलिटी का कोर्स है वो भी इतना ही डिटेल्ड कोर्स है। उसमें हमने हैंड पिक जजमेंट्स उठाई है जिसने इंडिया के फाइनेंशियल लैंडस्केप को बदल के रख दिया है। दीज आर ऑल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। जैसे आप इसमें देखोगे कि यहाँ पर हम बैंक नेशनलाइजेशन केस को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके साथ 2G केस को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके अलावा द आधार केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट्स आपस में क्लैश कर जाते हैं, एक आधार केस है और एक है केस पुत्तस्वामी का राइट टू प्राइवेसी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, दूसरी तरफ आधार केस जहाँ पे आपके सारे डिटेल्स जो हैं वो गवर्नमेंट के पास है, तो प्राइवेसी कहाँ गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सिर्फ इन जजमेंट्स को नहीं पढ़ोगे, इन जजमेंट्स के टाइम पर देश की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, उस पॉलिटिकल सिचुएशन से कैसे एक विवाद जन्म लेता है और वो विवाद कैसे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है और कोर्ट ने किस तरीके से उसको मैनेज किया है, क्या बोला है, ये सारी चीज़ें आप डिटेल में यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे हम इन दोनों कोर्सेस में। तो ये दोनों कोर्सेज सिर्फ और 500 रुपीज़ के हैं, मतलब कि 10 लेक्चर्स आपको मिल रहे 500 रुपीज़ में। आपको सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करना है और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करिएगा तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।